विधायक से भी कहना चाहूंगी कि जो जिस जुलाना की जनता ने आपको वोट दे करके बिठाया है, आज वो जुलाना की जनता रोड पर बैठी है, तो आपको एक बार आकर पूछना चाहिए कि आखिर किसानों की समस्या क्या है, क्यों आज इन्हें रोड पर बैठना पड़ा है। चेतावनी भाई, जल्दी से जल्दी या तो मुआवजा डाला जाए, नहीं तो यह जुलाना की धरती है, के बेरा के कर देगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त मैं जुलाना तहसील में मौजूद हूं और इससे पहले की वीडियो भी आपने देखी थी कि तहसील को ताला लगा दिया गया है और जो हमारे पीछे बुजुर्ग और जो युवा किसान सभी बैठे हैं, एक ही बात कहने की तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार इनके खातों में, यानी कि जुलाना हल्के के जितने भी किसानों का जो मुआवजा आना है, जब तक उनके खातों में पैसे नहीं आएंगे तब तक यह अनिश्चितकालीन रूप से धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि खरकराम जी गांव की जो बेटी है प्रियंका और खरकराम जी गांव की जो सरपंच है कविता सरपंच है, यहाँ पर पहुँचे हैं अनिश्चितकालीन धरना। इनका भी विधानसभा क्षेत्र जुलाना ही है। बहन जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर लगा दिया, इससे पहले भी खेड़ी चोपटा में भी लगा था और वहाँ के भी पैसे आ गए, लेकिन जुलाना के अभी तक नहीं आए हैं। जहाँ जहाँ हमारे किसानों को पैसा नहीं मिलेगा ना, मुआवजा नहीं मिलेगा, वहाँ वहाँ इन तहसीलों को ताला लगा कर परमानेंट धरना लगावेंगे। आज भी हमने जो कम तक कम भी 200-250 किले आग तक जड़े थे फसल के किसानों के, तो डीसी साहब तक ज्ञापन भी दिया था, एमएलए साहब के पास भी गए थे हमारे किसान, लेकिन कोई समाधान नहीं आया। ऐसा बोला गया था कि भी 10 दिन के अंदर अंदर खत्म पैसे आ जाएंगे, लेकिन उस बात ने अभी मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया होगा। दोबारा तक तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था तो भी कोई हल नहीं हुआ। उसने भी कम तक कम हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया था तहसीलदार को, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। आखिरकार किसानों ने अंत में यो कदम उठाना पड़ा कि भी तहसील का ताला लगाना पड़ा। मैंने भी पता है कि हमारे भैया के काम रुका याड़ा करने, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रशासन का हमने सोचा कि ताला लगा कर अगर हमारे किसान खत्म हुआ जाओ ना, तो हमने ये कड़ा कदम उठाना पड़ा है। राशन आज तो कुछ भाई आए हैं, मेरे ख्याल से एक साइड का छोटा गेट खुला है, कुछ भाई आए हैं, अगर कुछ घंटे का टाइम दिया हमने तहसीलदार को, बोल रहे भी दे देंगे 2-4 घंटे के बाद कोई संतुष्ट जवाब, लेकिन संतुष्ट जवाब अगर कोई नहीं आया तो परमानेंट इस तहसील में धरना गाड़ दिया जाएगा। आपसे संतुष्ट होंगे या फिर किसानों के खाते में पैसे आने चाहिए? पैसे आने से, क्योंकि उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था और 10 दिन आज हो चुके हैं, 10 दिन आज हो चुके हैं, तो इसलिए आपने धरना लगाया है क्योंकि किसान खाते में कोई पैसा नहीं आ रहा अब तक। जब तक एक एक किसान के खाते में पैसा नहीं आ जाता ना, तब तक ये धरना नहीं उठेगा। और जब तक मैं कहना चाहूंगी कि अपने जुलाना का जो अमरजीत ढांडा अपने विधायक है, हालांकि चाचा जी लगे मेरे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आज अपने जुलाना के किसान यहाँ बैठे तो उन्होंने भी आकर एक बार किसानों की समस्या सुननी चाहिए कि आखिरकार धरने पर क्यों बैठे, क्योंकि ये जुलाना की जनता ने उनको वोट दे करके बनाया जी। उन्होंने एक वादा किया था कि 10 दिन के अंदर अंदर पैसे डलवा देंगे अमरजीत ढांडा ने, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। तो यही मैं जोड़ के अपील करना चाहूंगी अपने जुलाना के विधायक से भी कहना चाहूंगी कि जो जिस जुलाना की जनता ने आपको वोट दे करके बिठाया है, आज वो जुलाना की जनता रोड पर बैठी है, तो आपको एक बार आकर पूछना चाहिए कि आखिर किसानों की समस्या क्या है, क्यों आज इन्हें रोड पर बैठना पड़ा है। बिल्कुल कविता जी, क्या कहना चाहेंगे अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा के अंदर अलग अलग जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र या फिर खंड के हिसाब से कई जगह छोड़ दिए गए हैं, कभी अड़ेवा छोड़ दिया, कभी उचाणा छोड़ दिया, कभी खेड़ी चोपटा, मतलब अलग अलग जगह छोड़ करके सरकार देने लग रही है। भाई सबसे बड़ी बात तो अपनी सरकार अपने भाईचारे ने पढ़ना चाहे जी, जो बंदर बांट रहे सरकार ने ये की है उससे भाईचारा पटन नहीं लाग रहा, दोबारा से जुड़न लाग रहा। आपने देखा होगा, देखो सरकार चाहती है भाई ये मुआवजे के नाम पर 2-4 रुपये खाते में रुपये डाल दिए, 2-4 छोड़ दिया, भाई इनका आपस में बैर बंध जाओगा। तो मैं सरकार ने बताना चाहूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, भाईचारा दोबारा से जुड़ेगा। हम अपना हक ले रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हक है हमारा। जब हमारी फसल जली उस टाइम भी डीसी साहब ने ज्ञापन लिया और विश्वास दिया था भाई आपका जो आगजनी का पैसा है वो मुआवजा है वो आपके खातों में आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता। जब तक किसान भाइयों के खातों में पैसे गिरने शुरू नहीं हो जाते तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा, तहसील को ताला लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, जब इस तहसील में ताला लगा तो हमारे भाईचारे का काम रुका है, लेकिन मैं उस भाईचारे से भी अपील करना चाहूँ भाई, 2-4 दिन तब तमीन भाइयों के बराबर में आकर बैठे हुए ना गांव में गर्मी में जब बेरा पटेगा, और सहयोग दो इनका, क्योंकि मुआवजा तो सबके खाते में ना, सिर्फ इनका मन आना जो यहाँ बैठे हैं, सबके खातों में पैसा आना है जिनका फसल का नुकसान हुआ है। तो सबसे यही अपील है भाई, यहाँ बैठो और अपने भाइयों का सहयोग दो, और सरकार के लिए चेतावनी भाई, जल्दी से जल्दी या तो मुआवजा डाला जाए, नहीं तो यह जुलाने की धरती है,
के बेरा के कर देगी, क्योंकि यहाँ वो क्रांतिकारी हैं भाई प्रदीप जैसे और नरेंद्र ढांडा जैसे, जो हर एक जो किसान आंदोलन की लड़ाई थी उसमें आगे आकर बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था। बिल्कुल, जिस गांव की सरपंच आप उसी गांव के विधायक अमरजीत ढांडा उनके ऊपर भी ये किसान लगातार कहने लग रहे हैं कि उन्होंने एक वायदा किया था कि 10 दिन के अंदर अंदर पैसे डलवा देंगे। लिजवाना गाँव के अंदर कई एकड़ फसल जल करके राख हो चुकी थी, क्या कहना चाहेंगे आप विधायक जी को लेकर के? भाई मैं तो अपने विधायक से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ भी आप अपने भाइयों के बीच में आए, क्योंकि समस्या जो वो भी खुद एक किसान है, ऐसा तो है नहीं वो कोई भी किसान का काम नहीं करते हैं, अभी तक भी किसानी का काम कर रहे हैं वो, तो अपने भाइयों के बीच में आए, समस्या सुने और समाधान जल्दी से जल्दी करवाएं, क्योंकि वो अब सरकार के एक संवैधानिक पद पर हैं और वहां पर रहकर वो अपने भाइयों की जल्दी से जल्दी समस्या जो सुलझवा सकते हैं। आप यहाँ आए और समस्या सुने और मैं तुम्हें कहूँगी भाई 2 घंटे यहाँ बैठ कर देखो, पता चल जाएगा भाई आम कितनी गर्मी में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सरकार के लिए चेतावनी दे रहे हैं भाई, अभी तो तूने जो कर दिया लेकिन आगे आने वाले समय में आपके लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे भी, हमने दोबारा से फिर यहाँ धूप में बैठना पड़ेगा। क्या लगता है इससे पहले खेड़ी चुपटा में भी 1.5 से 2 महीना आंदोलन चला है, किसानों ने पूरा संघर्ष करना पड़ा तब जा करके सरकार झुकी है? भाई देखो किसान अब सरकार को झुकाना सीख गए, 1.25 साल का जो आंदोलन था उसमें लोगों ने अनुशासन में और संयम में रहना सीख लिया, वही अनुशासन और संयम का यहाँ हम परिचय देंगे और अपने मुआवजे की लड़ाई। बड़ी बात तो मैं बताना चाहूँ भाई, किसान ने सरकार की नाड़ पर गोड़ा धर लिया, वो चाहे कोई भी हो, और इसने सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जब तक मुश्किल है इसने जब तक इन किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देंगी, और समाधान तो करना पड़ेगा, जब सांस लेने में दिक्कत होगी कड़ा बात जाएगा, वो मजबूरी है उसकी हाथ बंद जाव है, तो इन भाइयों काम करना पड़ेगा, नहीं मिलता तो अनिश्चितकालीन रूप से ताला ऐसे ही लगा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही लगा रहेगा, जिस दिन हमारे किसान भाइयों खातों में पैसा डलना शुरू हो जाएगा उस दिन इस ताले को खोल दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे ही परमानेंट लगा रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना है ये। आज तो कुछ किसान आए हैं, ऐसा ना हो कि भाई किसान की आवाज जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार तक हर एक किसान की आवाज पहुंच पा रही है, तो ऐसा ना हो आज हमारे कुछ भाई आए, क्योंकि ये जुलाना की जनता है जिस हाथ चल रहा करे ना फिर पागल होकर लाग लिया करे। आज हमारे कुछ किसान भाई आए हैं, नारी शक्ति अमदो ही आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने न्यू था कि महाराज समाधान हो जाए, लेकिन समाधान अगर आज नहीं होता तो यहाँ पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आएंगे और हमारे किसान युवा भाई सभी बढ़ चढ़ करके आएंगे और उसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। जल्द से जल्द किसान की समस्या का समाधान करा जाए वरना फिर सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जो भी नुकसान होगा सरकार खुद जिम्मेवार होगी। खट्टर सरकार तक लास्ट में क्या? खट्टर सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ भैया, आप इस भाईचारे को फाड़ने का काम ना करें, जो बंदर बांट कर रखी इसको बंद करें, आगे आने वाले समय में अपने व्यवहार को सुधारें, ताकि देखिए जनता जब किसी भी काम से दुखी होती ना तो अपन क्या करा हिंदी में अपनी हरियाणी भाषा में भाई कल्प्या करें, जब किसानों की कल्पना किसी का लग गया करें नहीं तो वो नहीं दोबारा से जिंदगी अच्छी तरह से नहीं जी सकता। तो खट्टर साहब ने कहना चाहूँ भाई इस कल्पना लोगों की नैयाड़े बंद कर दो और इन्हें अच्छा जो इनका मुआवजा है जो इनका हक है वो दे दो, नहीं तो ये किसान जितने भोले हैं नहीं उतना ही उग्र रूप भी है इनका, क्यों खाम खाई में नुकसान करवाना चाहो आप, तो सबसे बड़ी बात है आप इनकी बातें सुनो, इनका समाधान करो, इनका मुआवजा दो, ताकि आगे आने वाले समय में अमन शांति का संदेश फैला रहे। चलो भाई वीडियो आपने देख लिया, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। खरकराम जी गांव की जो सरपंच है कविता सरपंच है और प्रियंका इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय रखे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जबार द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।